हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम 555 टाइमर आईसी को समझेंगे। ये 555 टाइमर आईसी है। इसके पास कुल 8 पिन होते हैं। कट मार्क के दाएं तरफ का पहला पिन 1 है, फिर 2, 3, 4, चौथे पिन के सामने 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। यहाँ पहला पिन ग्राउंड है, दूसरा पिन ट्रिगर है, तीसरा पिन आउटपुट, चौथा पिन रीसेट, पांचवा पिन कंट्रोल वोल्टेज, छठवा पिन थ्रेशोल्ड, सातवा पिन डिस्चार्ज और आठवा पिन VCC है। चलिए जानते हैं सभी पिन के फंक्शन के बारे में। ग्राउंड नेगेटिव है। ट्रिगर पिन तब चालू होता है जब यह 1/3 VCC से नीचे चले जाता है। यह आउटपुट को चालू करता है। आउटपुट में हमें इलेक्ट्रिक पल्स मिलता है, मतलब कि यह बंद या चालू होता है। रीसेट पिन इसे अपने शुरुआती स्थिति में सेट करता है। कंट्रोल पिन ट्रिगर और थ्रेशोल्ड पिन के वोल्टेज को कंट्रोल कर सकता है। सरल भाषा में कंट्रोल पिन आउटपुट के ऑन ऑफ के टाइमिंग को कंट्रोल कर सकता है। थ्रेशोल्ड तब चालू होता है जब यह 2/3 VCC से ज्यादा होता है। यह आउटपुट को बंद करता है। डिस्चार्ज पिन कैपेसिटर को डिस्चार्ज करता है, जिसे हम पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 में यूज करते हैं। और VCC IC का इनपुट पॉजिटिव वोल्ट है। इस IC को 4.5 वोल्ट से 15 वोल्ट तक दिया जा सकता है। 555 टाइमर IC के पास 3 मोड होते हैं, अस्टेबल, मोनो स्टेबल और बाईस्टेबल। अस्टेबल मोड, इस मोड में हमें अस्थिर आउटपुट मिलता है। आउटपुट लगातार ऑन ऑफ होता रहता है। मोनो स्टेबल मोड, इस मोड में सिर्फ एक स्टेट स्टेबल है और दूसरा स्टेट अनस्टेबल है या हाफ स्टेबल है। यदि हम ऑन को स्टेबल के रूप में लेते हैं, इस स्टेबल कंडीशन में आउटपुट ऑन होता है, फिर हम पुश बटन को दबाएंगे, फिर आउटपुट ऑफ हो जाएगा, फिर कुछ समय के बाद आउटपुट अपने आप ऑन हो जाएगा। यदि हम ऑफ को स्टेबल के रूप में लेते हैं, इस स्टेबल कंडीशन में आउटपुट ऑफ होता है, फिर हम पुश बटन दबाएंगे, फिर आउटपुट ऑन हो जाएगा, फिर कुछ समय के बाद यह अपने आप बंद हो जाएगा। बाईस्टेबल मोड, इस मोड में दोनों स्टेट स्टेबल होता है। यदि हम आउटपुट को ऑन करना चाहते हैं तब हम ऑन बटन को दबाएंगे, यदि हम आउटपुट को ऑफ करना चाहते हैं तब हम ऑफ बटन दबाएंगे। लेकिन हम सिर्फ अस्टेबल मोड के बारे में जानेंगे, क्योंकि हम इसके द्वारा चेसर बनाएंगे। चलिए हम अस्टेबल मोड की वायरिंग देखते हैं। चलिए समझते हैं यह कैसे काम करती है। पहले हम 8वें पिन को पॉजिटिव 5 वोल्ट देंगे और पहले पिन को नेगेटिव वोल्ट देंगे। फिर करंट आईसी में बहना शुरू होगा। इसके बाद सारे फंक्शन काम करना शुरू करेंगे। अभी पिन नंबर 3 का आउटपुट ऑन है। करंट कैपेसिटर को चार्जिंग करना शुरू करेगा। जब कैपेसिटर पॉजिटिव वोल्ट का 2/3 चार्ज हो जाता है, 5 वोल्ट का 2/3 मतलब कि 3.3 वोल्ट। जब कैपेसिटर 3.3 वोल्ट से ज्यादा चार्ज हो जाता है, फिर आउटपुट बंद हो जाता है।
फिर पिन नंबर 7 एक्टिवेट हो जाता है और यह कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने लगता है। फिर कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है और पॉजिटिव वोल्ट के 1/3 से नीचे चले जाता है। 5 वोल्ट का 1/3 1.7 वोल्ट। जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होकर 1.7 वोल्ट से नीचे चला जाता है, फिर आउटपुट चालू हो जाता है। यदि आउटपुट में करंट नहीं बह रहा है, मतलब वह 0 है, और यदि आउटपुट में करंट बह रहा है, मतलब कि वह 1 है। पूरा सिस्टम कैपेसिटर का है। यदि कैपेसिटर 2/3 VCC से ज़्यादा चार्ज हो जाता है, तब हमें आउटपुट ऑफ मिलेगा, और यदि कैपेसिटर डिस्चार्ज होकर 1/3 VCC से कम हो जाता है, तब हमें आउटपुट ऑन मिलेगा। पिन नंबर 6 से पिन नंबर 7 में हम प्रीसेट यूज़ किए हैं। प्रीसेट वोल्टेज को कंट्रोल करता है। इसमें यह कैपेसिटर के चार्जिंग को कंट्रोल करता है, मतलब यदि वोल्टेज कम है तो यह कैपेसिटर को धीरे चार्ज करेगा, और यदि वोल्टेज ज़्यादा है तो यह कैपेसिटर को जल्दी चार्ज करेगा। जब कैपेसिटर चार्ज डिस्चार्ज तेजी से होता है, तब आउटपुट में क्लॉक पल्स भी तेज होगा।